तो हम पहुंच गए हैं ताशकुरगान। तुम यहाँ छुट्टा दे नो हामा नो यही हामा तो यहाँ पे जो हमारा एक ग्रुप था पांच स्टूडेंट्स का, इन्होंने तीन का अलहदा बस में टिकट डाल दिए और दो का अलहदा। हाँ जी वेलकम बैक। तो हम पहुंच गए हैं ताशकुरगान और यहाँ से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई बस हमें मिलती है तो अभी बुक करवा लेते हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर रात स्टे करेंगे और तो सुबह बुक करवाएंगे। आज तो तीन तारीख है, आज का दिया ये तीन, ये तीन का दिया, ये तो आज की थे। तीन? हाँ, ये देखो, ये आज चलो हम भी लेते हैं यार, अपना सामान निकालो। दो माह तीन माह तीन तीन माह टिकट अभी है, पुलिस इजाजत पाना चलो बना मिल गई है। तो सामान अपना निकाल के इधर रखें। हाँ उधर रखो, इधर रखो, उधर रखो, मसला नहीं। हाँ ठीक है, सामान निकाल लो फिर देखो टिकट होती है तो करवा लो। हो जाएगी अभी, हो जाएगी, उसने तो करवा लिया ना। तो अभी वो जा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है। तो हम गए हैं टिकट बुक करवाने, तो हमारे पास थे रिचार्ज में करेंसी। हाँ रिचार्ज, तो वो कह रहे हैं कि हमें कैश में चाहिए, कैश में करेंसी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें करेंसी कहाँ से चेंज करके देते हैं। हमारे पास चेक में पैसे हैं, इसको कितने चाहिए आपको? हमको चाहिए 1200। हमने टिकट करवानी है, वो कह रहे हैं हमें करेंसी में चाहिए, कैश में नहीं। मैं तो अपने वो एटीएम कार्ड से निकाल के, हां एटीएम कार्ड की तरह एटीएम, अगर एटीएम तो है वो सामने उधर है। हां 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 नानी मां तुम यहां छुट्टा दे नो हमा नो यही हमा। हाँ वो सामने है बैंक, वो एटीएम है एबीसी। एटीएम सर्विस बंद है तो फिलहाल जो बंदा हमें कैश दे रहा है हम उससे कैश ले लेते हैं, क्योंकि हमें तभी फिलहाल अपना काम चलाना है, फिर देखेंगे किसी और जगह से एटीएम से पैसा मिल जाएगा। टिकट हमारी हो गई है और अब हम बस का वेट कर रहे हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं चाइना कस्टम पे, यहाँ से हमारी कस्टम क्लियरेंस होनी थी और आगे हमने मूव ऑन करना था। उन्होंने टिकटें तो हमें दे दी और हमें कहा कि आप चाइना कस्टम के ऑफिस में चले जाएं और हमें यहाँ पर ये देख लें कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो वो कहते हैं आप कस्टम ऑफिस बंद हो चुका है। आप देखें कस्टम ऑफिस बंद हो चुका है तो मेरे ख्याल में हमें रात को यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। कहा कि अब आपकी बस नहीं जा सकती, क्योंकि भेजने को तो हम भेज सकते हैं लेकिन जो सिक्योरिटी है ना वो आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि वो रास्ता जो है ना रात की सेफ नहीं है। तो उन्होंने हमें टाइम दिया है कल सुबह 10 बजे का, तो अब यहाँ पर हम नज़दीक जो होटल देखते हैं तो सुबह कल 10 बजे जाएँगे, फिर देखते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, सुबह के इस टाइम 8:30 हो गए और हम इस टाइम मौजूद हैं ताशकुरगान के एक होटल में। रात को हमने यहाँ पे स्टे किया था क्योंकि उन्होंने रात को, मैंने आपको बताया था कि कस्टम का ऑफिस बंद कर दिया था और आज 10 बजे हमें बुलाया हुआ सुबह, तो रात हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा। पहले तो यहाँ पर होटल नहीं मिल रहा था क्योंकि चाइनीज़ है ना, मेरे ख्याल में बहुत ही टेहस कौन है। रात उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी जो बिजनेस मैन थे यहाँ पे, उनका बस नहीं गई तो काफ़ी यहाँ पे रश लगा हुआ था, मौसम भी काफ़ी ठंडा था, तो उनकी वजह से वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। यानी कि जो होटल आपको इजीली 200 RMB में मिल रहा था रात, वो आपको
500 से 600 RMB में मिल रहा है। तो मैं आप अपनी बात करूँ तो हमें जो होटल मिला वो रात को 600 RMB में एक होटल मिला, एक रूम मिला 600 RMB। आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा कि पाकिस्तानी कितने PKR बनते हैं, क्योंकि एक RMB आपको 41, 42, 43 ऐसे चलते हैं। अब हम सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो गए, यहाँ से अब चाय शाय बनाते हैं, चाय शाय बना के फिर दोबारा जाते हैं बस स्टेशन। अहमद ये क्या लेके आए हो, ये इस्त्री है? इस्त्री ऑर्डर की थी ऑनलाइन। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे कपड़े हो जाएंगे ना इस्त्री? हाँ हो जाते हैं कपड़े इससे, ये अब सुबह सारों ने इसी से इस्त्री किए हैं कपड़े। चेक आउट। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो कल टिकटें हमने ली थी तो उस पे आपने गाड़ी का नंबर चेंज करवाना है। अच्छा तो अब सीन ये है कि हमारे दो ग्रुप थे 5-5 बंदों के, टोटल हम 10 स्टूडेंट थे, तो हमने 5-5 बंदों के दो ग्रुप बनाए हुए थे। तो यहाँ पे जो हमारा एक ग्रुप था 5 स्टूडेंट्स का, इन्होंने 3 का अलहदा बस में टिकट डाल दिए और 2 का अलहदा बस में टिकट डाल दिए। यहाँ से देखते हैं हम सेपरेट सेपरेट निकलेंगे, फिर वहाँ पर हम पाकिस्तान में जा कर देखते हैं फिर मिलते हैं या नहीं मिलते, आगे देखते हैं। फिर ये जी हमारी बस है RIS 700।
साफ है, सारे कह रहे हैं पीने वाला पानी पानी साफ है, यहाँ ग्लेशियर से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है और लोग अभी वजू जो जगह का क्या नाम है, सुस्त बाड़ा है। बिरयानी कितनी है? 400 की। 400 की बिरयानी है। और 200 की दाल माश, 120 रोटी, 3 रोटी 120, 40 रुपये की रोटी, 200 दही, 200 रुपये की दही। ठीक है, दूसरे होटल में जाओ सर, इससे भी महंगा मिलेगा आपको। वाकई पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, हैं अहमद? वाकई हो गई है, इतने से बाद आए हैं तो इसलिए फील हो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चलें जा रहे हैं वापस? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आए हैं, अभी अभी स्टैंप लगवा के आए हैं एंट्री की, अभी फ़ौरन नहीं जाना। एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं ना, क्योंकि आरएम भी तो है हमारे पास, पीकेआर तो है नहीं। तो उसके लिए अब चाइना में नहीं है हम, वो सामने, वो सामने एटीएम, वो नज़र आ रहा है। तो है ना वो ये लेके जा रही 1200 पे, ठीक है, गिर गया। और वहाँ से कह रहे कि कोस्ट रोड निकलेगा आपके लिए, मैं अरेंज करा दूंगा। पांच बातें और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप इस्लामाबाद तक वो पहुँच जाते हैं। और 3000 उसका, 3000 उसका किराया। तो यहाँ से डायरेक्ट वाला सबसे बेस्ट रहेगा, वो तकरीबन 80,000 मांग रहे हैं। और वहाँ से अगर हम जाते हैं तो वो हमें 50 में पड़ रहा है, 55 तक। तो 3 पर बंदा हमारे को 5000 पड़ रहा है, 5500।